तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ एसोसिएशन रीजन डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, ठीक है? और बहुत चिल हो करके इसको सुनिएगा, बहुत टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है? इसमें से मैक्सिमम आपको आते हैं, हो सकता है एक आध जो है जो मुझे लगे बहुत इंपॉर्टेंट है वो सकता आपको नहीं आते हो, या आप हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना पकड़ पाए, ठीक है? तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इनको सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है? इजी है बट थोड़ा सा लैंग्वेज में फेर हो सकता है आपके समझने में, इसके बोलने में, ठीक है? तो देखिएगा इसको, ठीक है? और जितने भी लेक्चर में दे रहा हूँ ना, जितने वीडियो में दे रहा हूँ, उसको जरा जो शांत माहौल हो तभी देखना, ठीक है? शोर का माहौल हो तो मत देखना, क्योंकि शांत माहौल में जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुन करके भी तुम कुछ नोट कर सकते हो। शोर के माहौल में तुम बाहर का शोर ही इंजॉय करते रह जाओगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शांत माहौल में, बल्कि मेनली रात को 10 सवा 10 बजे के बाद और 12 सवा 12 बजे के बीच में, मतलब जब तभी आप जगते हो, पूरी रात जगते हो तो बात ही अलग है ना? तो इस टाइम पे अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए, तो पहला हमसे कहा, अच्छा जो पहला पार्ट है हमारे पास एसोसिएशन, उसके लिए तुम्हारे पास डायरेक्शन है, ठीक है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही हमेशा ऑप्शन ए रहता है एसोसिएशन रीजन में। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन बी रहता है हमेशा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, यही ऑप्शन सी रहता है। लेकिन डी में क्या होता है, ए इज फॉल्स आर इज ऑल्सो फॉल्स, ऐसा डी में कभी कर रहता है, या ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ठीक है? तो जरा एक्सेप्शन रीजन करने से पहले एक बार क्या ऑप्शन दे रखे हैं वो जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो ये मेरा एक सुझाव रहेगा आपको। अच्छा, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एक डाइपोल को रखा गया, क्या उसके पास ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों होगा? देखो, आपको ये पता है कि अगर मान लो कि हमने कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास डाइपोल को पुट कर दिया, ठीक है? मान लो हमने कुछ इस तरीके से डाइपोल को तुम्हारे पास पुट कर दिया है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये तुम्हारे पास कोई एक पी वेक्टर है। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे ए पोजीशन पे और बी पोजीशन पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ज्यादा भीड़ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे ज्यादा है, यहाँ पे भीड़ कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कम, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता था कि हम इस तरीके से तुम्हारे पास डाइपोल को यहाँ पे रख लें, ठीक है? ये तुम्हारे पास माइनस क्यू है, ये तुम्हारे पास प्लस क्यू है, और ये तुम्हारे पास पी वेक्टर है, ठीक है? ये तुम्हारे पास ए हो जाए और ये तुम्हारे पास जो है बी हो जाए, तो हम यहाँ पर फिर ये कहेंगे कि ई ए तुम्हारे पास जो है ई बी से क्या है, कम है, ठीक, बराबर नहीं है। और ऐसा भी हो सकता था कि हम तुम्हारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू करके तुम्हारे पास जो है ये डाइपोल मोमेंट बना करके हम इस तरीके से पुट करें, ठीक? तो इधर ध्यान देना, पहले वाले केस में पी वेक्टर जो है ना वो तुम्हारे पास ई वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि नेट रिजल्टेंट आगे की तरफ आएगा। यहाँ पे पी वेक्टर जो है ना वो तुम्हारे पास एंटी पैरेलल है, वो तुम्हारे पास जो है एंटी पैरेलल है तुम्हारे पास, ठीक है? किसके? तुम्हारे पास जो है ई वेक्टर के। और यहाँ पे जो है ना पी वेक्टर तुम्हारे पास जनरल क्या नाम है, ओरिएंटेशन में बैठा हुआ है। मैं ये बात इसलिए डिस्कस कर ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपने, अगर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया हो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो किस काम का है, ठीक? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये माइनस क्यू और ये तुम्हारे पास प्लस क्यू तुम्हारे पास है, ठीक है? और ये तुम्हारे पास एक पॉजिटिव बॉडी होगी, ये तुम्हारे पास एक नेगेटिव बॉडी होगी, ठीक है? तो मैं जानता हूँ कि एफ तुम्हारे पास जो है क्यू इंटू तुम्हारे पास ई ए, यहाँ पे लगाओगे एफ ए है ना, यहाँ पे एफ बी लगाओगे, कितना लगाओगे, क्यू इंटू तुम्हारे पास ई बी लगाओगे, ठीक है? अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे ई बी की वैल्यू ई ए से ज्यादा है, ई बी की वैल्यू ई ए से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास एफ बी की वैल्यू तुम्हारे पास एफ ए से ज्यादा है। एफ बी की वैल्यू एफ ए से ज्यादा का मतलब मान लो कि ये 12 है, ये मान लो 10 है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा 12 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना, 2 न्यूटन, ठीक है? तो यहाँ पे डाइपोल जो है ट्रांसलेटरी मोशन दिखाएगा, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म में ध्यान रखना कि नेट फोर्स कभी भी तुम्हारे पास जीरो नहीं होता है, ठीक है? टॉर्क जीरो हो भी सकता है, टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है, जैसे इस केस में टॉर्क तुम्हारे पास जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है? नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें मिलता है ट्रांसलेटरी मोशन। नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से तुम्हें मिलता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है? तो इस केस में जब पी वेक्टर के पैरेलल होगा
डाइपोल जो है वो तुम्हारे पास ट्रांसलेटरी मोशन करेगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूवमेंट कर जाएगी आगे की तरफ। यहाँ पे डाइपोल जो है वो तुम्हारे पास विल मूव, ठीक है, डाइपोल तुम्हारे पास विल मूव टुवर्ड्स टुवर्ड्स तुम्हारे पास क्या, टुवर्ड्स तुम्हारे पास जो है वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे डाइपोल क्या करेगा, यहाँ पे डाइपोल तुम्हारे पास रोटेट भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट टॉर्क तुम्हारे पास जीरो नहीं होगा। और यहाँ पे जो है ट्रांसलेट भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास जो है नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा जीरो, टॉर्क में और वे नॉट भी जीरो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कभी जीरो नहीं, टॉर्क में और वे नॉट भी जीरो। ठीक है ना, तो अगर जनरल ओरिएंटेशन में होगा तो रोटेशनल भी करवाना, ट्रांसलेशन भी करवाना, और अगर तुम्हारे पास इस तरीके से पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर या पी वेक्टर पैरेलल टू एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर है तो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करवाना, कोई रोटेटरी मोशन नहीं करवाइए। ठीक है, तो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। हाँ बिल्कुल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्शन तो भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर डाइपोल एक्सपीरियंसेस आर फोर एज वेल एज टॉर्क। इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल फोर्स तो एक्सपीरियंस करता ही करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है, तो रोटेटरी मोशन नहीं कर पाता। टॉर्क यहाँ पे इसने बताया है, टॉर्क तुम्हारे पास है तो रोटेटरी मोशन करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रीजन क्या एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा है, हाँ रीजन में फोर्स की बात भी करी है, मतलब नेट फोर्स तुम्हारे पास जीरो नहीं है। रीजन में टॉर्क की बात करी है, मतलब नेट टॉर्क तुम्हारे पास जीरो नहीं है। नेट फोर्स का जीरो ना होना ट्रांसलेटरी मोशन को इंडिकेट करता है, नेट टॉर्क का जीरो ना होना रोटेटरी मोशन को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं रीजन जो है भी सही है, एसर्शन भी सही है, और रीजन प्रॉपर तरीके से एसर्शन को ही सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर देना चाहिए तुम्हारे पास ए। ठीक है, अगली बात करते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर डिसकंटीन्यूअस एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटीन्यूअस। हमें हमेशा लगता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिसकंटीन्यूअस कहाँ होती है, वो तो हमेशा कंटिन्यूस ही तो होती है। ठीक है, जरा इसका रीजन सुनो, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन मैग्नेट बट नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन चार्ज बॉडी। बिल्कुल सही है, ये तुम्हारे पास मैग्नेट है, ये तुम्हारे पास नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से गई, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से गई, और ये जब गई ना तो ये अंदर भी आती है, अंदर आती है साउथ से तुम्हारे पास नॉर्थ की तरफ, बाहर जाती है नॉर्थ से तुम्हारे पास साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तुम्हारे पास मैग्नेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तुम्हारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो डिसकंटिन्यूस कहलाती हैं और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस तुम्हारे पास जो है कंटिन्यूस कहलाती है। ठीक है, तो एक तरीके से रीजन ही है जो एसर्शन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है उसकी सारी बातों पर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए दे देंगे। ठीक, अगला, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस इच अदर, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, एसर्शन तो तुम्हारे पास बिल्कुल गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द सुपर पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये तुम्हारे पास यहाँ से गया हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से तुम्हारे पास एक ई पॉजिटिव वेक्टर तुम्हारे पास यहाँ पे, और इसकी वजह से ई तुम्हारे पास नेगेटिव वेक्टर तुम्हारे पास यहाँ से। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव की वजह से पॉइंट पी पे इधर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो नेगेटिव से इधर होगा। अब जब तुम इसका रिजल्टेंट निकालोगे ना तो ई रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस तुम्हारे पास जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, ये तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसने कहा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सुपर पोजिशन होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेट पर्टिकुलर पॉइंट का। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, अगर तीन चार शब्दों में कहें तो वेक्टर सम ऑफ दी फोर्सेस या वेक्टर सम ऑफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एग्जैक्टली उसका मतलब होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ये स्टेटमेंट तो देखो सही है ना, ये स्टेटमेंट तो तुम्हारे पास सही है, तो इनके ऑप्शन के हिसाब से ए फॉल्स, आर ट्रू के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमें आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑप्शन नंबर डी एज आंसर। व्हेन टू बॉडीज आर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बिल्कुल सही है, अगर दो बॉडीज फ्रिक्शन फ्रिक्शन बोले तो रबिंग, रबिंग बोले तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, अगर इनसे तुम्हारे पास चार्ज हो रही है तो ट्रांसफर ऑफ द चार्ज होने वाला है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। ठीक है, सीधे सीधे ट्रांसफर ऑफ द चार्ज हो जाएगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा, जैसे कि हमको पता है बॉडी वन है बॉडी टू है, तो बॉडी वन से बॉडी टू पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के बाद ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी और ये बॉडी तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। ठीक है, पहले भी तुम्हारे पास जो
टोटल चार्ज थे, Q1 प्लस तुम्हारे पास Q2 था, अब भी जो तुम्हारे पास टोटल चार्ज है वो तुम्हारे पास उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, किसी भी हाल में चेंज होने वाला नहीं है। तो इसने कहा कि दिस इज इन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंजर्वेशन होता है फ्रिक्शन मैथड में, ठीक है ना, फ्रिक्शन मैथड में इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्वेशन होता है। इंडिविजुअली दो अनचार्ज बॉडीज जो है चार्ज बॉडीज बन जाएंगी, जिनमें चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा एक नेगेटिवली चार्ज होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन जहां से घटेंगे वहां से मास घटेगा, पॉजिटिवली चार्ज जब बॉडी बनती है तो मास घटता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी जब बनती है तो मास बढ़ता है, ठीक है। तो मासेस जो है वो इंडिविजुअली तुम्हारे पास चेंज होंगे, चार्जेस इंडिविजुअली चेंज होंगे, लेकिन चार्ज भी कंजर्व होगा और मास भी कंजर्व होगा। तो कोई चार्ज क्या पैदा क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय कहा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, कोई चार्ज ना तो पैदा होता है और ना ही ना वो डिस्ट्रॉय होता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ना अगर आपको ये लगे कि रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल हद पे सोच लेना और आखिरी में आप ए मार क्या करना काम खत्म, ठीक है ना, क्योंकि जब ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक। इफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स हैव डिफरेंट रेडियस हैव द सेम सरफेस डेंसिटी, दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं तुम्हारे पास, ठीक है, इनका रेडियाई तुम्हारे पास जो है अलग अलग है, इनके पास सेम सरफेस डेंसिटी है, ठीक है। सो लेट्स सपोज इस पे कुछ तुम्हारे पास यहाँ पे चार्ज यहाँ पे मौजूद है और इस पे तुम्हारे पास कुछ यहाँ पे जो है चार्ज यहाँ पे तुम्हारे पास जो है मौजूद है, ठीक है, और सिग्मा 1 इज इक्वल टू कितना होगा Q1 अपॉन तुम्हारे पास A1, एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना होगा Q2 अपॉन तुम्हारे पास A2, इनके सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम्हारे पास सेम है, ठीक है। तो सिग्मा इंटू 4 पाई तुम्हारे पास R1 इज इक्वल टू Q1, एंड सिग्मा इंटू तुम्हारे पास 4 पाई तुम्हारे पास R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना Q2, राइट। सो इनकी इलेक्ट्रिकल डेंसिटी सेम होगी क्या, तो इधर निकालते हैं तो तुम्हारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 अपॉन तुम्हारे पास R1 स्क्वायर, एंड A2 इक्वल टू तुम्हारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन तुम्हारे पास R2 स्क्वायर, ठीक है। तो K Q1 की जगह कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई तुम्हारे पास R1 का स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास R1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई तुम्हारे पास कितना R2 का स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास R2 का स्क्वायर, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो इसका भी K सिग्मा 4 पाई K सिग्मा 4 पाई, तो E1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ गया, तुम्हारे पास E2 आ गया, बिल्कुल सही, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज परसेंट एरिया होती है, हाँ बिल्कुल होती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। तो अब मुद्दे ये है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी तो ये होती है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो तुम्हारे पास ये होती है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी है रीजन ने, नहीं बात करी, ठीक है, उसने सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करी, काम खत्म कर दिया। रीजन सही तो है, एक्सेप्शन सही तो है, पर रीजन पूरी तरीके से एक्सेप्शन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास अगला, इन अ कैविटी इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अभी बताया था मैंने, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास कैविटी अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास 0 रहेगी, चार्जेस इन अ कंडक्टर रेड ओनली इन सरफेस, ये तो पता ही आपको, चार्जेस कंडक्टर पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रिलेट करते हैं, ठीक। अगला, तो नेक्स्ट क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 आर शोन द फिगर, द फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस डिपेंड ऑन द 1 चार्ज पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन ऑल द चार्जेस नियर बाय। एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा सीधा ये कहना है कि जितने चार्ज इंक्रोज हुए ना हमें उससे मतलब है बस, ठीक है, तो ऑल द चार्जेस की बात ही तो खत्म हो गई, मतलब Q2 पे डिपेंडेंसी तो है नहीं, तो फाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ तुम्हारे पास Q2, फाई को फंक्शन Q2 चार्ज की लोकेशन Q2 चार्ज से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो बाहर है, ठीक है, तो रीजन तो तुम्हारे पास जो है गलत हो गया, ठीक है, अब रीजन ही गलत हो गया, तो बस एक ही बात बचती है assertion की, assertion true होगा, 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 assertion के लिए that flux over the Gaussian surface depend on the 1 चार्ज पॉइंट, ठीक है, 1 चार्ज पॉइंट नहीं और भी तुम्हारे पास लोग हैं उन पे डिपेंड वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q3 अंदर इंक्लोज किया गया, Q1 इंक्लोज किया गया, तो Q1 Q3 डिपेंड करेगा, Q2 डिपेंड नहीं करेगा, अभी तो पता है बात, ठीक है, तो इसका मतलब है कि assertion इसका तुम्हारे पास करेक्ट है, रीजन इसका तुम्हारे पास फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन बनता है तुम्हारे पास टी, ठीक है। अगला, नेक्स्ट है, यूजिंग गॉस लॉ इट इज पॉसिबल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ऑब्वियसली ये इसीलिए तो पैदा हुआ था, ठीक है, कि भाई गॉस लॉ इसीलिए पैदा हुआ था कि हम आ रहे हैं हमारे सरफेस पे किसी पे भी एक एलिमेंटल एरिया ले लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, यही इसका मतलब था, लेकिन 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 यहाँ पे ये है कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम्हारे पास डिपेंडेंसी दिखानी है, ठीक है, कोई बात नहीं दिखा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास
एक इररेगुलर, अगर तुम्हारे पास एक इररेगुलर तुम्हारे पास गॉसियन सरफेस हुआ तब तो फिर निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि गॉस लॉ की एप्लीकेबिलिटी तुम्हारे पास एक रेगुलर गॉसियन सरफेस या फिर आप ऐसा कह दीजिए कि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए ही इस गॉसियन सरफेस शेप के लिए वैलिड होता है, इनसिमेट्रिकल या इररेगुलर के लिए वैलिड नहीं होता। तो गॉस लॉ एप्लीकेबल तो है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी टाइप ऑफ टाइप डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे तो उसका गॉसियन सरफेस निकाल जाए तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसके लिए इश्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। ठीक, अच्छा, तो इसका आंसर क्या दे देंगे भाई? ये तो तुम्हारे पास तुम्हारे पास गलती हो रहा है, ठीक है, और ये जो तुम्हारे पास सही है, इसका मतलब है इसका मतलब एसेशन ट्रू है और रीजन तुम्हारे पास क्या है? फॉल्स। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो है एसेशन तुम्हारे पास ट्रू है, एसेशन तुम्हारे पास जो है क्या है? ट्रू। ठीक है, एसेशन तुम्हारे पास जो है यहाँ पे ट्रू है, रीजन तुम्हारे पास जो है यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिख दे रहे हैं एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, जो भी हम है। ठीक है, ऑप्शन वगैरह आप अपने जो डायरेक्शंस दिए मैंने क्वेश्चन ना उससे देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या बताया था कि तुम्हारे पास जो एसर्शन तुम्हारे पास है 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 एसर्शन लिख कर तब तक ओवर द गॉसियन सरफेस डिपेंड ऑन द वन चार्ज पॉइंट। ठीक है, अब इसने कहा कि प्लस जो है वो तुम्हारे पास Q1 में तुम्हारे पास Q3 पे तुम्हारे पास डिपेंड कर रहा है, तो एसर्शन ट्रू नहीं होगा, एसर्शन एक्चुअली होगा फॉल्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द ऑल चार्जेस तुम्हारे पास जो है नियर बाय। ठीक है, ऑल चार्जेस नियर बाय मेनली ये इनक्लोज वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनक्लोज वाले पे तुम्हारे पास डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी तुम्हारे पास। ठीक है, ऐसा अब रीजन पूरी तरीके से ट्रू तो है नहीं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे दिया होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन दी नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी गॉसियन सरफेस। अगला नेक्स्ट पार्ट है ये, इफ देयर एग्जिस्ट कूलम अट्रैक्शन, मान लेते हैं कि कूलम अट्रैक्शन तुम्हारे पास हो रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट कूलम अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसका डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, मेनली हम इसके आते हैं क्या हम करेक्ट है कौन रॉन्ग है वो बताते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास इफ देयर एग्जिस्ट कूलम अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज का मतलब ये होगा कि दोनों ही अनचार्ज बॉडीज होंगी। अगर दोनों ही तुम्हारे पास अनचार्ज बॉडीज होंगी तो फिर ये कैसे हो पाएगा भाई? है ना, तो इसने कहा कि तुम्हारे पास मे नॉट यहाँ वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब बोथ ऑफ देम मे बी चार्ज भी हो सकता है, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज भी हो सकता है। तो इसने कहा कि कूलम अट्रैक्शन होना है, तो हमको पता है कूलम अट्रैक्शन होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी तुम्हारे पास चार्ज्ड हो, ठीक है, और एक बॉडी तुम्हारे पास जो है अनचार्ज्ड हो। ठीक है ना, ये जैसा कि हम लोग इंडक्शन में जाते हैं, इंडक्शन में चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेकर के जाते हैं और काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसने कहा कि बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड, तो इसने कहा कि अगर दोनों अनचार्ज हैं तो इश्यू है, लेकिन अगर एक चार्ज है और एक अनचार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज, दोनों दोनों का चार्ज होना जरूरी नहीं है, एक चार्ज हो सकती है और एक अनचार्ज हो सकती है। अगर ये बोलता है कि बोथ ऑफ देम हैज टू बी अनचार्ज तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इसका एक चार्ज हो सकती है, एक अनचार्ज हो सकती है, इसका मतलब एसर्शन तुम्हारे पास ट्रू है। ठीक है, इन कूलम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज। यस, कूलम अट्रैक्शन में दो बॉडीज अपोजिटली चार्ज होती है। हाँ, ये बात सही है, तो रीजन भी तुम्हारे पास जो है क्या है? करेक्ट है। क्या रीजन फुल्ली सपोर्ट करता है तुम्हारे पास इसको? इसने एक्चुअल में इन कूलम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज में इसने Q1 Q2 तुम्हारे पास लेस देन जीरो की बात करी, जिसमें हमारा Q1 ग्रेटर देन जीरो, Q2 हमारा लेस देन जीरो होता है, Q1 हमारा लेस देन जीरो, Q2 हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, पर इसने यहाँ पे एक बॉडी चार्ज होना और एक बॉडी अनचार्ज होना उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, तो रीजन सही तो है बट ठीक है नॉट फुल्ली सपोर्टेड। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास नॉट फुल्ली सपोर्ट, ये तुम्हारे पास नॉट फुल्ली सपोर्टेड है। ठीक है, अब जो है इसका डायरेक्शन, इसका हम सिंबल बता दे रहे हैं, ठीक है, फटाफट करने के लिए।
जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे तुम्हारे पास बना रहे हैं, ठीक है, और हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन नॉट फुल्ली सपोर्टेड। सपोर्ट तो कर रहे हैं बट फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको आंसर दे दिया। अगला पार्ट, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम वेयर एज द इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेशन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि भाई ये तुम्हारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक प्रोटॉन है और ये तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन पे लगेगा एफ इक्वल्स टू क्यू ऑफ द प्रोटॉन इनटू ई, ठीक है, और ये लगेगा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पे लगेगा एफ ऑफ द क्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, क्यूपी और क्यूई का वैल्यू भी सेम होता है, ठीक है, लेकिन एम इंटू तुम्हारे पास एपी इक्वल टू क्यूपी इंटू तुम्हारे पास ईपी में एपी इक्वल टू तुम्हारे पास क्यूपी इंटू ई अपॉन तुम्हारे पास जो है एमपी हो जाएगा, ठीक है। और सेम तरीके से ए ई जो है वो क्यू ई तुम्हारे पास ई अपॉन तुम्हारे पास एम ई हो जाएगा। ए ई को तुम्हारे पास मास से मतलब है, ठीक है, ए ई को मास से मतलब है। तो हमको ये पता है कि 9.1 × 10⁻³¹ और ये होता है तुम्हारे पास मास होती है इलेक्ट्रॉन और ये होता है मास होती है प्रोटॉन। ये होता है 1.67 × 10⁻³ कितना -27। तो प्रोटॉन जो मास होता है इलेक्ट्रॉन होता है, मास होता है प्रोटॉन से तुम्हारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो मास होता है इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास मास होता है प्रोटॉन से कम होता है, ठीक है। अब इसने कहा कि वेयर इज एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1/36 टाइम्स ऑफ द डेट ऑफ द प्रोटॉन। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जो है एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन से तुम्हारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन तुम्हारे पास ज्यादा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि एक्सलेशन ऑफ द प्रोटॉन बोल क्या रहा है। तो अब हमको 1836 एक टर्म दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ द प्रोटॉन का 1/18 तुम्हारे पास 36 होता है, ठीक है ना। तो हम इसको पलट देते हैं इस बात को, तो हम क्या बोल देंगे, हम यहाँ बोल देंगे तुम्हारे पास कि अगर मास प्रोटॉन का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो एक्सलेशन प्रोटॉन का कम होगा। तो वी कैन से कि एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18 तुम्हारे पास 36 टाइम्स एक्सलेशन ऑफ दी प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। अब ये एक नंबर है ना, इसके आने के चांसेस बहुत कम है। अगर बच्चे ने देखा होगा तो ध्यान होगा, नहीं देखा होगा तो सर 1836 से ज्यादा कोई टर्म ही नहीं ध्यान होगा, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा इतना दिमाग लगा लेना कि अगर एम ई तुम्हारे पास एम पी से कम है, ठीक है, तुमको ये बात पता है, तो एम ई इक्वल्स टू एम पी अपॉन 1836 होगा, सीधी सी बात है। तो एक्सेलरेशन अगर लेकर के जाएंगे तो 1836 ऊपर चला जाएगा, तो वो इनवर्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप लिख सकते हो क्या, 1/ तुम्हारे पास ए ई, 1/ तुम्हारे पास ए पी और 18 तुम्हारे पास 36, सो यू कैन राइट इट ए ई इक्वल टू 1836 ए। ओके, इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन द प्रोटॉन। यहाँ पे ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन लाइटर देन द प्रोटॉन है, मास के बारे में तुम्हारे पास बताया है ना। तो अब मास सही तो उन्होंने निकाला है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास अगर देखा जाए आंसर वाइज, तो हम एसर्शन को करेक्ट कहेंगे, रीजन को करेक्ट कहेंगे, और ये कहेंगे कि रीजन पूरी तरीके से तुम्हारे पास एसर्शन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। अगला, एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली हमने देखा, देखा जाए तो हमने एग्जैक्टली कहाँ से निकाला, हमने यहीं से तो निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू नंबर फोर्स वेक्टर अपॉन नंबर क्यू नॉट। आप तो होते हैं स्केलर क्वांटिटी, आप होते हैं तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारे पास इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसने कहा जो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस के बाद हेंस का मतलब होता है बाद में, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, यस। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। हाँ ये तो हमको पता है भाई, ये बात तो इतना तो पता ही है कम से कम, ठीक है ना। तो अब इसने कहा कि ठीक कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए जरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसने ये कहा कि यहाँ पे जो तो नीचे यूनिट दे रखी है और ऊपर फोर्स फॉर्मूला लिख रखा है, तो यूनिट क्या ऊपर फॉर्मूले को सपोर्ट कर रही है, फॉर्मूला यूनिट को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि पहले फॉर्मूला आया फिर वो यूनिट है, यूनिट फॉर्मूले को सपोर्ट एग्जैक्टली करने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि एक्सेप्शन तुम्हारे पास जो है करेक्ट है, रीजन तुम्हारे पास करेक्ट है, बट ये तुम्हारे पास जो है फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बी और ए में ज्यादा पंगा हो, ए मार के चले आना, खत्म काम, ठीक है। उसमें फिर वो ए और बी में तो बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता ही रहता है, तो कोई बहुत बड़ी डील, ठीक। अच्छा अगला, द सरफेस डेंसिटी ऑफ द टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ द टू रेडियाई आर इक्वल। ये तो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी आपको बताया था, तो इसका आंसर होगा कि एक्सेप्शन तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन वो फुल्ली तुम्हारे सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा
इलेक्ट्रिक लेंथ ऑफ फोर्स डाइवर्जेस फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज इनटू अ नेगेटिव चार्ज. हाँ, अ चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक लेंथ ऑफ फोर्स. ऐसा है कि ये तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक लेंथ ऑफ फोर्स जो तुम्हारे पास होती है वो तुम्हारे पास रेडियली आउटवर्ड रहती है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए, है ना, और वो तुम्हारे पास रेडियली इनवर्ड रहती है आइसोलेटेड तुम्हारे पास जो है नेगेटिव चार्ज के लिए. ठीक है, अब ये तुम्हारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास इस तरीके से मूवमेंट करेगा. ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये जो है स्टार्ट कर रहा है तुम्हारे पास किससे, अगर ये तुम्हारे स्टार्ट कर रहा है तुम्हारे पास किससे, स्टार्ट फ्रॉम तुम्हारे पास रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन अगर मान लो इनिशियली तुम्हारे पास हम चार्ज कोई वेलोसिटी दे देते हैं तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को चलने के लिए फॉलो नहीं करता. ठीक है, तो इफ वी प्रोवाइड सम इनिशियल वेलोसिटी, इफ वी प्रोवाइड सम तुम्हारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो चार्ज में चार्ज विल नॉट फॉलो. ठीक है, विल नॉट फॉलो फील्ड लाइन. ठीक है, चार्ज विल नॉट फॉलो तुम्हारे पास क्या फील्ड लाइन, चार्ज जो है फील्ड लाइन को तुम्हारे पास फॉलो तुम्हारे पास नहीं करता. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक विल मूव अलोंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ a charged particle free to move in an electric field always move along the this. तो ये always word यहाँ पे गलत हो गया है, क्योंकि अगर आप rest से start होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो rest से start नहीं होता तो फिर मामला बिगड़ेगा. ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो फिर मामला तुम्हारा जो है बिगड़ जाएगा. तो इसमें exception तो बिल्कुल जो है करेक्ट है, पर रीजन तुम्हारे पास से गलत से करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो exception यहाँ पे तुम्हारे पास करेक्ट है और रीजन तुम्हारे पास यहाँ पे रॉन्ग से करेक्ट हो जाएगा. रेंज ऑफ द कूलम फोर्स इज इनफाइनाइट. अच्छा, इसके बारे में बता दें, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में आप एनसीईआरटी में एक एक लाइन ना आप देखेंगे तो आपको जाकर कहीं मिल पाएगा, वरना रेफरेंस तो हो सकता है इसको मेंशन ही ना करें. ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब इसने यहाँ पे क्या बताया, इसने कहा कि देखिए ऐसा है कि देखा तो कूलम फोर्स तुम्हारे पास कहाँ है, तुम्हारे पास इन्फाइनाइट तक है. हाँ, देखा तो कूलम फोर्स इन्फाइनाइट तक होता है. ठीक है, कूलम फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, कूलम फोर्स तुम्हारे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में तुम्हारे पास लगता है. ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है, क्योंकि कूलम फोर्स जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है, जैसा कि आपको पता है. तो पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनमें साइड ऑफ द बॉडी इज मच लेसर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. ठीक है, तो कूलम फोर्स तुम्हारे पास जो है वो दो चार्ज पार्टिकल में लगता है. हाँ, ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रीजन यहाँ पे करेक्ट है. रेंज ऑफ कूलम फोर्स तुम्हारे पास इनफाइनाइट है, जिसकी दूरी के बारे में तो जिक्र नहीं कर रहा है, तो रीजन सपोर्ट तो कर रहा है पर फुल्ली सपोर्ट नहीं करता. ठीक, अगला, अ स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड, अ स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास, इफ दी हाई एनर्जी एक्स रे बीम फॉल ऑन दी बॉल. अगर एक बहुत ही हाई एनर्जी एक्स रे बॉल पे फॉल करती है तो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि एक्स रेस विल एमिट will तुम्हारे पास emit what photo electrons. ठीक है, एक्स रेस तुम्हारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हारे पास निकाल देगा बाहर. फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो बॉडी में तुम्हारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी. और पॉजिटिवली चार्ज अगर बॉडी बन गई तो मुझे पता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा फोर्स लग जाएगा, तो इस पे डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, 100% डिफ्लेक्शन होगा, ये बात तो सही है. ठीक है, अगली बात ये कह रहा है, एक्सरे एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन एंड मेटल बिकम्स तुम्हारे पास जो है नेगेटिवली चार्ज. ठीक, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो है अगर ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमको पता है कि मेटल जो है फोटो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज इजेक्ट किया जाएगा, तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पास नहीं आएगा. ठीक है, तो एक्सरेशन यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, एक्सरेशन तुम्हारे पास जो है यहाँ पे करेक्ट है, रीजन तुम्हारे पास यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा. नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही, एक्सरेशन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब और इसने क्या बताया, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास दिया करता है, कोई दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी तुम्हारे इंटरसेक्ट नहीं करेगी. ठीक है, लेकिन क्या जो रीजन है 9th वाले का, क्या वो तुम्हारे पास सपोर्ट कर रहा है? तो टेंजेंट जब आप बनाएंगे ना किसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में तुम्हारे पास, मतलब तुम नया बनाया और ये तुमने यहाँ टेंजेंट बनाया, ये तुम्हारे पास तुमको इलेक्ट्रिक तुमको दे दिया. ठीक है, और अगर तुम दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को आपस में इंटरसेक्ट करोगे तो आपको दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो कि इससे कोई मतलब ही नहीं होगा. ठीक है,
तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि तुम्हारे पास एसर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर दो डायरेक्शन की तो बात नहीं हुई है, डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकली की बात हुई है, तो फुल्ली सपोर्ट तो नहीं करता। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है कि क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देता हूँ आपको, देखिए जरा। तो अगर यहाँ में बोला है इफ अ पॉइंट चार्ज बी रोटेटेड इन अ सर्कल अराउंड द चार्ज द वर्क डन विल बी जीरो। यस, देखो एक सर्कल पे अगर आप लेके जाओगे ना, तो ये तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन देगा, वो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा। और हमने हमको बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और वो पूरे क्लोज लूप पे जो वर्क डन करता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस का होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है, तो वो एग्जैक्टली होता है फोर्स, एंड तुम्हारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट का होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक्सप्रेशन इज यहाँ पे करेक्ट, एंड रीजन इज तुम्हारे पास यहाँ पे रॉन्ग। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। आपको इसमें से सारे आते ही होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो नहीं आते होंगे वो आपको आ जाएंगे।